इस गाड़ी का मालिक है, सीधे बोले तो कि वो बंदा लेकर आया कि यार इस गाड़ी की सर्विस करनी है, 500 सीसी स्टील ब्लैक गाड़ी है। तो मैंने ठीक है भाई कर देते हैं सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने कहा यार कुछ दिन से मेरी गाड़ी के अंदर पीछे से एक आवाज़ आ रही है ब्रेक मारने पे, कुछ टाइप साउंड आवाज़ पीछे टायर से एक साउंड आ रही है। तो मैंने ठीक है ज़रा चेक कर लेते हैं किस तरह की साउंड है। तो मैंने ठीक है देख लेते हैं। अब बंदे ने बहुत अच्छा किया कि गाड़ी को दिखा लिया साउंड, वरना उसके साथ ना इतना बुरा हादसा हो सकता था। और वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद वो यही है कि अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ दिखती है अपनी गाड़ी के अंदर, या कोई भी अनवांटेड साउंड नज़र आती है गाड़ी के अंदर, आपको लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार बिल्कुल डेफिनेटली चेक करा लो मैकेनिक को, कुछ नहीं जाएगा। इस बंदे के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। मे भी अगर ये चलाता रहता तो इनके कुछ भी हो सकता था। तो मैं आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता है, सबसे पहले उस पॉइंट के पास लेके चलते हैं जहाँ से हादसा होने की पूरे आसार थे। तो एक बार मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ से हादसा इस बंदे के साथ हो सकता था। तो बंदा लेकर आया कि यार गाड़ी को एक बार मतलब सर्विस करने से पहले चला के देख लो, कुछ पिछले टायर से आवाज़ आ रही है। तो मैंने ठीक है मैंने रुका, आराम से घुमा के देखा तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। पर जैसे ही देखे एक बार ब्रेक लेंगे, ये मैंने मतलब देखे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कैमरे के अंदर ये साउंड कैप्चर ना हो रही हो। पर मैंने जब यहाँ पे हाथ लगा के देखा तो इधर देखिए आप ये प्लेट को देख सकते हैं, ये प्लेट कैसे हिल रही है। और जरा मैं नीचे को कैमरे को थोड़ा और नीचे की साइड से दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये नट बोल्ट ढीले पड़े हैं, देख सकते हैं आपको ये देखिए। अब जो हादसा था, हादसा कैसे हो सकता है जरा मैं इसके लिए पीछे वो कैमरे को इस साइड से लेके आपको दिखाता हूँ कि अगर वो नट ज़्यादा ढीले हो जाते हैं इस तरह से और वो अंदर ऐसे टायर में फंसेंगे इधर साइड में और टायर बिल्कुल चलते चलते जाम हो सकता है या पूरा कैलिपर कट सकता है। देखिए गाड़ी का टायर हो गया जाम, तो कुछ भी हो सकता है यार। तो ये प्लेट की जो बोल्ट होते हैं उसको टाइट करने के लिए एलन की लगती है, 5 नंबर की एलन की। देखिए एक बार मैं टाइट कर देता हूँ, देखिए कितने नट बोल्ट ढीले पड़े थे। और इसको अच्छे से टाइट करा लीजिए, मैं भी हो सकता है अगर किसी मैकेनिक के पास अच्छे टूल हो तो वो अच्छे टूल से बिल्कुल फिक्स कर दें इसको। सर्विस के टाइम पे डिस्क प्लेट के बोल्ट या जितने भी नट बोल्ट होते हैं ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि सर्विस हम कराने का मेन मकसद यही होता है कि गाड़ी का जो कंडीशन है उसको चेक कर लें कि कहीं से कोई नट बोल्ट ढीला, कोई चीज़ ढीली या कुछ ख़राब हो रहा है तो वो सर्विस के दौरान पे चेक हो जाए। तो देखा कि अभी कितने नट बोल्ट ढीले थे। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये बंदा ये नहीं कि गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, गाड़ी 1 साल पुरानी है, ये नई गाड़ी के अंदर भी हो सकता है और पुरानी गाड़ी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि एलन की बोल्ट होती है रॉयल इनफील्ड, हमारी हैंडमेड गाड़ी होती है, हाथ से बनती है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती हमेशा होती है। जो हमारी सर्विस होती है, सर्विस कराने का मेन मकसद यही होता है कि अगर कुछ हो रहा है प्रॉब्लम तो अच्छे से चेक हो जाए। और आपको अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है तो आपका फ़र्ज बनता है कि बंदे को कहें कि अच्छे से एक बार नट बोल्ट चेक कर लें, और अगर आप मैकेनिक हैं तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि गाड़ी के नट बोल्ट पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लें। तो वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी अगर अपनी गाड़ी के अंदर अनवांटेड साउंड लगती है या कुछ भी ऐसी खटपुट खुट कोई साउंड नज़र आती है तो एक बार मैकेनिक को दिखा लो यार, दिखाने में कुछ नहीं आता है। आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बातें दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।